अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद स्कॉलर सैंडबैग पे जहाँ पे वहीद मुराद के परस्तारों ने उनकी सालगिरह के मौके पर आज 2 अक्टूबर 2023 को एक बहुत उनकी यादगार फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जिसको हम बचपन से सुना करते थे और सिर्फ इसके तस्करे सुने थे, आज हमने इस फिल्म को पहली मरतबा सैनमा में देखा। स्कॉलर सैनमा कराची में, कराची का यादगार सैनमा, ये वो सैनमा है जहाँ पे आईना फिल्म जो है कई बरसों तक चलती रही नदीम शबनम की, और एक यहाँ पे बहुत इस सैनमा की अपनी एक तारीख है। आज जो है वहीद मुराद की सालगिरह का इनेकाद करके इस सैनमा में की तारीख में एक नया इजाफा कर दिया गया है, और मैं इस फिर इस तकरीब के जितने भी मुंतजमीन हैं उन सब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी इनवाइट किया, हमारे चैनल को इनवाइट किया, और तमाम दोस्तों को कराची से नहीं, कराची हैदराबाद से, लाहौर से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए, और ये एक बहुत एजाज़ की बात है। तो याद रखिएगा और देखते रहिएगा स्टार सर्किल और फूड एंड स्टाइल। शुक्रिया। कुछ ना पूछिए चाचा, जल्दी बताओ चाचा, आपने एक सेकंड लेट हो जाता तो इग्नोर का भला क्या होता, और आपकी शफ्तार गाड़ी के बड़े क्यों उठाते। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने मेरी गाड़ी बचा ली। रमजानी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने अखबार के लिए मुझे नाचीज को मुंतखब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आप वहीद मुराद की सालगिरह में, और एक जो हमने मूवी रखी थी उसको देखने आए, हमारे दिल और बड़े हो गए, वहीद के चाहने वालों के दिल बहुत बड़े हो गए, और आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। कुछ गर्मी की वजह से, कुछ अगर उसकी वजह से कुछ महसूस हुआ तो हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह हर साल, और मैं वहीद का प्रस्तार तो हूँ लेकिन मैं अब जो हूँ वहीद के चाहने वालों का प्रस्तार हूँ, जो वहीद को चाहते हैं मैं उनको चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे बच्चे कल के अब ये मेरे सामने आ चुके हैं, तो अल्लाह का खुशी हो रही है मेरे को कि अब मैं अगर चला भी जाऊँ तो ये बच्चे जो इस प्रोग्राम को गोल्डन जुबली तो मनाएंगे, वहीद की यानी कि मरने की डेथ एनिवर्सरी ये गोल्डन जुबली मनाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आए और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। अब ये आपके कलम के ऊपर है कि आप तनकीद हम पे ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मुस्बत तनकीद हो ताकि उससे हमें आगे हौसला मिले हो। ठीक है। बड़ी मेहनत करते तो ज़माने के लोग कैसे खूबसूरत तरीके से फिल्म को लेके चले, धीमे धीमे फिर उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आते गए और चलती गई, और सब ये देखें कि जिस हीरोइन को बहुत अच्छा डांस नहीं आता तो उस पर भी हाय मेरा झुमका खो गया सजना के बाज़ार में जैसा गाना फिल्माया गया है। क्लब डांसर को दिखा रहे हैं तो उसको दिखा रहे हैं कि साड़ी में ही डांस कर रही है, यानी कि आजकल जो मीरा साहिबा जैसे हमारी और दूसरी हीरोइनें करती हैं कि वो जनाब जिस पर पेंट करा के जो है ना वो डांस रिकॉर्ड कराती हैं, शूट कराती हैं, इस फिल्म में ऐसा नहीं था। और फिर फिल्म को क्लाइमेक्स की तरफ लेके जाते हैं, आजकल हमारी फिल्मों में क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया है, इस फिल्म का क्लाइमेक्स इतना शानदार, इतना जानदार है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है, लोग जो है मभूत होकर सिनेमा स्क्रीन की तरफ देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम,
तमाम हाजरीन को और वीडियो देखने वाले को आफिस बशीर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ जो ऑल पाकिस्तान महिती क्लब की तरफ से और जावेद नियाज़ी और कासिम भाई की तरफ से ये प्रोग्राम अरेंज किया गया। बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। इसमें माजी की वहीद मिराज की फ़िल्म नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे जो दिखाए गए, जो कि अपने दौर की हिट फिल्म है, गोल्डन जुबली फिल्म है, और म्यूज़िकल फिल्म, सोशल फिल्म, बड़ी अच्छी फिल्म लोगों ने देखी बहुत ज़ोक व शौक से। और तकरीबन स्काला सिनेमा पे ये फिल्म चलाई गई और स्काला सिनेमा फुल था। हमें जो है माजी याद आ गया, पिछली जिस तरह हम फिल्में देखा करते थे पुरानी माजी की फिल्में, तो आज भी वही हमें मज़ा महसूस हुआ। और केक भी काटा गया और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं इसके लिए जो है इन सब को जिनने ये प्रोग्राम अरेंज किया बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इनका दिल बड़े बड़े फूल पे तो हमारा से मिले, वैसे हम तुम्हारा से नाश जान कर बैठे इनके दिल का दिल जो है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम है। आज हम वहीद मुराद की 50वीं सालगिरह मना रहे थे इस्काला सिनेमा पे और बहुत ज़बरदस्त तकरीब हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और हमने फिल्म भी देखी नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, जो एक अच्छी मूवी थी और सारे गाने सुपरहिट थे और काफ़ी लोग आए और वहीद मुराद को आज तक लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, बल्कि आज के नौजवान भी उसे प्यार करते हैं और वो हमारा वाकई चॉकलेट हीरो और सुपरस्टार था। ये आज साबित हो गया जो इतने सारे लोग इस सिनेमा पर आए। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद जहीरुद्दीन बंस रोड कराची। मैं आज यहाँ पे आया हुआ था हाजी फैज मोहम्मद शहर की दावत पे और असलम राजपूत की दावत पे। आज यहाँ पे वहीद मुराद की सालगिरह मनाई गई है और जो है क्या कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से और बहुत बड़े एहतमाम के साथ है सालगिरह का केक काटा गया है। और जो है ना क्या कहते हैं, इत्तेफाक ऐसा है कि वहीद मुराद की 125 फिल्में हैं जिसमें मैंने कम से कम 115 फिल्में देखी हैं और जो रह गई हैं वो पंजाबी फिल्में हैं जो मैं नहीं देख सका। और वहीद मुराद की ज़्यादातर फिल्में चूँकि नाज सिनेमा कराची में रिलीज़ हुई हैं तो मैंने नाज सिनेमा कराची में ही देखी है वहीद मुराद की फिल्में, और दीगर सिनेमाओं में भी मैंने देखी है, ऐसा नहीं है निशात में, कोहिनूर में, तो वो सब जगह मैंने देखी है। तो देखी है तो आज का प्रोग्राम बहुत शानदार था और बड़ी अच्छी मेहनत की इन्होंने और प्रसंग भी अच्छा था फिल्म का और बहुत शानदार कामयाबी है मेरी तरफ से इनको बहुत। मैं सादिक कासिम बाबरा शरीफ का फैन, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैं आमतौर पे मैंने देखा है कि इस किस्म की फिल्में चलती हैं तो प्रिंट बहुत घिसा हुआ होता है और आवाज़ भी सही समझ में नहीं आती, तो बावजूद इसके कि गर्मी हो रही थी तो वो प्रिंट भी बहुत अच्छा था और आवाज़ भी साफ़ सुनाई देती थी, तो बहुत मज़ा आया।
बहुत ही मज़ा आया। मेरे को लगता था कि मैं 20 साल पहले फिल्म देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं 1960 के दहाई से मैं फिल्म देख रहा हूँ मैं, और वजमुराद की जो पहली फिल्म थी वो औलाद थी, जो मैंने एक और सिनेमा था 4162 में, तो मैं 7 साल का था, लेकिन वो मैंने रिवारी सिनेमा में देखी थी जब वो सेकंड रैंक में आई थी। उसके बाद से जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई और वजमुराद मेरे पसंदीदा अदाकारों में थे, मैंने उनकी फिल्में ज़्यादा शौक से देखी हैं। मामली भी मुझे पसंद थे, लेकिन वजमुराद के पैसे मुझे मिलते थे। मेरे बड़े भाई कहते थे कि ये लोग पैसे सिनेमा में जाके सिर्फ और सिर्फ वजमुराद की फिल्म देखना, तो उस वजह से भी उनकी फिल्मों से थोड़ी रगबत हुई है। और मैंने बताया कि 125 में से 115 फिल्में देखी है, जो पंजाबी हैं परवा नहीं और बोटी और पता नहीं कौन सी वो फिल्में मैं नहीं देख सका, लेकिन जो है शायद मुझे बहुत पसंद थे वो, उनकी अदाकारी और उनका गाना पिक्चराइज कराने का अंदाज जो है ना दीगर अदाकारों से मुमताज़ था। बल्कि इंडिया में अदाकार जो उनके गानों के अंदाज को कॉपी करते थे, जिसमें जितेंद्र भी शामिल थे और दीगर अदाकार भी जो है ना वो शामिल थे। ठीक है भाई, रमज़ानी का हलवा बचपन से सुनते चले आए थे, पता नहीं था कि रमज़ानी कौन है, ये बस सुना हुआ था। लेकिन जब हमने ये फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे देखी, तो पता चला कि वो रज़िया और रमज़ानी का जो पेयर था वो रमज़ानी का हलवा था, और रज़िया जो है अपने महबूब अपने आशिक रमज़ानी के लिए हलवे बना बना के रखती थी और वो मज़े मज़े से खाता था। 52 साल पहले इस फिल्म में जो रज़िया के बाप का और निराले का जो सीन फिल्माया है, जैसे मर्द के निकाह का सीन जो एक फिल्मा लिया गया, हैरत की बात है कि उस ज़माने में मौलवी हजरात ने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज ये फिल्म रिलीज़ होती थी यकीनी तौर पर इस पर ऑब्जेक्शन हो जाता। हो सकता है उस ज़माने में मौलवी हजरात इतने एक्टिव ना हो, फिर ज़ियाउल्लाह के दौर में जब फिल्मों पर पाबंदियाँ लगी तो उसमें ये केस जो है डिस्कस हुआ हो। बहरहाल अब ये कानून जो है वो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर पास हो चुका है, और हमारे यहाँ बिल्कुल पूरी दुनिया में पास हो चुका है, और ट्रांसजेंडर कानून जो है वो उसके बहुत सारे लॉज और बहुत सारी शक्लें बना दी गई हैं। वो इस फिल्म में 50 साल पहले फिल्माया गया था। इस हवाले से जो है ये फिल्म लगाई गई नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, और वाकई बहुत अच्छी फिल्म थी और केक भी काटा गया, तो इनको मुबारकबाद दे दें जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। हाँ सॉरी गर्मी इतनी हो रही है और फिल्म इतनी अच्छी थी कि गर्मी का कुछ पता नहीं चला। इन लोगों को बहुत मुबारक हो। और वही मेराज के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि लोग सगे बाप को भी भूल जाते हैं 5 साल बाद, वहीद मराद को मरे हुए 40 साल, हाँ 40 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, या 40 साल से लगभग 40 साल भी बहुत होते हैं। तो वहीद मराद के फ़ैन मेरे लिए मुबारकबाद के मुस्तक हैं कि वो इस हद तक याद रखते हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी